सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेकटॉक्स के फ्रेश एपिसोड में और लेके आया हूँ आपके लिए बहुत कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम पहले जल्दी से बात करते हैं पुराने पोल की। भैया सवाल ये था कि क्या आपको लगता है कि Redmi Note 8 सीरीज जब आएगी इंडिया में तो बहुत ज्यादा डिले सा ही हो जाएगा, क्या आप उसका इंतजार करेंगे? तो ऐसे भैया बोलते हैं आप 74% कि नहीं भाई बहुत लेट होने वाला है, हमसे इंतजार नहीं होगा। और बाकी बोलते हैं करीब 25% कि नहीं भाई हम तो लगे हैं कतार में, कर रहे हैं इंतजार हमारे प्यारे दुलारे Redmi Note 8, Note 8 Pro का। तो यहाँ पर दोस्तों ऐसे में आज का सवाल आपसे ये है कि अभी भैया जियो फाइबर के प्लान आ गए हैं और दोस्तों सबसे महंगा प्लान है टाइटेनियम वाला, वो है 8,499 रुपए पर मंथ का। तो क्या आपको लगता है कि इंडिया के हिसाब से 8,500 रुपए पर मंथ इंटरनेट के नाम पे देना सही है या नहीं? आपके भैया क्या है राय बताना जरूर ऊपर दिए गए पोल में, नीचे कमेंट्स में, और सारी बातें एक साथ मिला लीजिए और थोड़ा एक्स्ट्रा जोर लगा के बस दबा ही दीजिए लाइक बटन को। दोस्तों बात करें पहले अपडेट की, भैया बात हो रही है इन्हीं जियो फाइबर वाले प्लान को लेकर, जहां पर दोस्तों अलग अलग कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है। भैया होती है शुरुआत 699 रुपीज से, जहां पर दोस्तों नाम है ब्रोंज, फिर आता है सिल्वर, फिर है गोल्ड, फिर है डायमंड, फिर है प्लैटिनम, फिर है दोस्तों टाइटेनियम। तो यहां पे अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग दोस्तों आपको मिल जाती हैं FUPs, अलग अलग स्पीड्स हैं, अलग अलग दोस्तों यहां पे आपको मिल जाती हैं फ्रीबीज साथ में। तो फिलहाल खैर ये एक बेसिक आइडिया है आपके लिए, बाकी दोस्तों खैर मैं जो है वो कोशिश करूंगा अगर मौका मिला कि एक डिटेल में वीडियो बना के हम थोड़ा सा समझें कि आखिर कैसे हैं यही जियो फाइबर वाले प्लान। दोस्तों बात करें अगले अपडेट की तो निकल के आता है यहाँ पे नोकिया पावर ईयरबड्स को लेके, और यहां पर दोस्तों ये ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स जो है नोकिया ने लॉन्च कर दिए हैं, जहां पर दोस्तों IPX7 सर्टिफिकेशन है और यहां पे बैटरी लाइफ है 150 घंटे की, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों इनका जो चार्जिंग केस है उसके अंदर 3000 mAh की कैपेसिटी है, जो भैया बहुत बार इन ईयरबड्स को चार्ज करता रहेगा, जहाँ पर दोस्तों इनकी अपनी बैटरी लाइफ है 5 घंटे की। तो यहाँ पे फिलहाल क्या इसको ईफा बर्लिन में लॉन्च किया गया है, देखते हैं इंडिया में आते हैं या नहीं। दोस्तों बात करें अगले अपडेट की निकल के आता है यहाँ पे रियलमी की तरफ से, और भैया रियलमी ने अपना एक 10,000 mAh का पावर बैंक लॉन्च कर दिया है चाइना में, कीमत है करीब करीब 1,000 रुपए के आसपास, जहाँ पर दोस्तों इसमें USB-C पोर्ट भी अवेलेबल है। तो क्या आपको लगता है कि रियलमी दोस्तों अपनी कुछ और एक्सेसरीज, कुछ और ऐसे ही स्मार्ट डिवाइसेस मोबाइल फोन्स के अलावा इंडिया में आगे और लेके आएगा? भाई क्या सोचते हो नीचे कमेंट में जरूर बता देना। दोस्तों बात करें अगले अपडेट की निकल के आता है यहां पे Vivo की तरफ से, और Vivo ने दोस्तों कर लिया है पार्टनर Samsung के साथ में Exynos 980 को लेके, जहां पर दोस्तों उसी को इस्तेमाल में करने के बाद में Vivo एक 5G फोन लेके आने वाला है इस साल। अभी ऐसे में देखते हैं कौन सा, कहां, कब, कैसे, कितने का, सारे सवालों के जवाब हमको कब तक मिल पाते हैं। दोस्तों बात करें अगली न्यूज की, बात हो रही है ओप्पो की तरफ से भैया फास्ट चार्जिंग की, और यहां पर दोस्तों हम बात कर रहे हैं करीब 80 वॉट वाली फास्ट चार्जिंग की, जहां पर दोस्तों फिलहाल जो सुपर वूक है वो आती है 50 वॉट के आउटपुट के साथ में, और अभी प्लानिंग ये चल रही है ओप्पो की तरफ से, भैया ऐसा रूमर निकल के आया, एक ऐसा हिंट सा है कि 80 वॉट वाली चार्जिंग की प्लानिंग चल रही है ओप्पो की तरफ, मतलब फोन तो बस घूम घूम किया और मतलब बस चार्ज हो ही जाए शायद। दोस्तों बात करें अगले अपडेट की तो Xiaomi जो है वो इंडिया में भैया कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने का प्लान कर रहा है 17 सितंबर को, जहां पर दोस्तों बात हो रही है कुछ स्मार्ट होम प्रोडक्ट्स की। अभी ऐसे में वो टेलीविजन्स या कैमराज या मतलब कैसे दोस्तों आपके घर के अंदर काम आने वाले कुछ स्मार्ट प्रोडक्ट्स, देखते हैं वो कौन से होते हैं, क्या होते हैं, कितने के होते हैं, और Xiaomi क्या क्या लॉन्च कर देता है 17 सितंबर को। दोस्तों बात करें अगले अपडेट की निकल के आता है यहां पे Vivo V17 Pro लेके फोन, दोस्तों मतलब बस इसी महीने ही लॉन्च होने वाला है, काफी दोस्तों ऐसे में मतलब टाइम बचा नहीं है इस फोन को लॉन्च होने में, लीक्स काफी आ रहे हैं। तो यहां पर दोस्तों ये एक लीक निकल गया है सामने, जहां पे है ड्यूल सेल्फी कैमरा, और ये आता है एक पॉपअप मैकेनिज्म के अंदर, तो भैया अपने आप में काफी यूनिक बात है। जहां पर दोस्तों ये एक और फोटो जो लीक हुई थी जहां पे पीछे की तरफ 4 कैमरास आप देख सकते हैं, तो मतलब 6 कैमरा वाला Vivo V17 Pro अगर सच हुआ तो देखते हैं कि आखिर भैया Vivo के दिमाग में क्या चल रहा है और क्या होती है बाकी स्पेसिफिकेशंस इसी स्मार्टफोन की। दोस्तों बात करें अगले अपडेट की निकल के आता है यहाँ पे Asus ROG Phone 2 Ultimate Edition को लेके, यहाँ पर दोस्तों ये भी ईफा में Asus ने किया शोकेस, जहां पे भैया 1 TB की UFS 3 बेस्ड स्टोरेज है, बाकी दोस्तों यहाँ पे जो नेटवर्क्स हैं उनको भी एनहांस किया गया है, और भैया अपने आप में जो Asus का ROG Phone 2 है वो एक बीस्ट तो है ही, स्नैपड्रैगन 855 प्लस 120 Hz वाले AMOLED स्क्रीन वगैरह के साथ में,
तो भी ऐसे में इंडिया का ही बस इंतजार है कि कब एसुस जो है वो ऑफर कर देता है इंडिया में इसी मोबाइल फोन को। तो बात करें अगले अपडेट की, तो ओप्पो A9 2020 जो फोन है उसकी लॉन्च डेट कंफर्म हो गई है इंडिया में 10 सितंबर की, जहां पर दोस्तों ये क्वाड कैमराज के साथ में आने वाला है और ऐसे में ये शायद 15,000 के आसपास का एक फोन हो ओप्पो की तरफ से। अभी एग्जैक्टली बाकी स्पेसिफिकेशंस क्या होंगी और कैसा होगा कंप्लीट पैकेज वो तो खैर हम देखेंगे और मैं भी कोशिश करूंगा। पता नहीं 10 को तो फिर अभी एप्पल लॉन्च कर रहा है, तो देखता हूँ इसकी अनबॉक्सिंग आप कब तक जो है वो देख पाते हैं अपने इसी चैनल पे। दोस्तों बात करें अगले अपडेट की, तो एप्पल का जो लार्जेस्ट स्टोर है दुनिया में वो दोस्तों भैया खुलने वाला है टोक्यो में सैटरडे को, और यहाँ पे दोस्तों अभी जापान में 3 एप्पल स्टोर हो जाएंगे। अभी इंडिया में इंतजार कर रहे हैं कम से कम एक खोल दे तो काफी अच्छा रहे, लेकिन फिलहाल दोस्तों ये बनने वाला है दुनिया का सबसे बड़ा एप्पल स्टोर जापान में। दोस्तों बात करें अगले अपडेट की, तो भैया व्हाट्सएप जो है वो अभी टेस्ट कर रहा है कि नोटिफिकेशन के अंदर ही आपके जो वॉइस मैसेजेस हैं वो प्ले हो पाए, और यहाँ पे फिलहाल खैर दोस्तों हो रही है टेस्टिंग iOS में। अलग अलग अपडेट्स व्हाट्सएप कोशिश करता रहता है हमारी लाइफ को आसान बनाने के लिए भैया देता रहता है बीच में कुछ कुछ डोज। मैं खैर काफी ज्यादा पसंद करता हूँ व्हाट्सएप को अभी तक तो, कि ज्यादा कंफ्यूजिंग सा नहीं हो गया है। वैसे आप चैटिंग के लिए ज्यादा प्रेफर किसको करते हैं, मैसेंजर मैसेंजर के बाद बात करते हैं या मतलब व्हाट्सएप पे है भरोसा, बताइए थोड़ा नीचे लिख के कमेंट्स में। दोस्तों बात करें अगले अपडेट की, तो भैया भरोसे की बात हो रही है और फेसबुक की बात ना हो मतलब भरोसा तोड़ने की बात हो रही है अगर, तो यहाँ पे दोस्तों जिक्र है फेसबुक का, जहाँ पे दोस्तों करीब 500 मिलियन लोगों के मोबाइल फोन नंबर्स जो है भैया वो एक ऑनलाइन डेटाबेस में एक्सपोज हो गए हैं। फेसबुक के करीब 500 मिलियन दोस्तों एक बहुत ही बड़ा नंबर होता है, उतने यूजर्स के मोबाइल नंबर्स मतलब ऐसे ही मतलब बस हैं कहीं डेटाबेस में लिस्टेड। और फेसबुक जो है मतलब क्या, मेरा तो ना भरोसा बिल्कुल उठा पड़ा है, मैं तो फेसबुक यूज़ भी नहीं कर रहा हूँ, बस वो एक पेज के ऊपर लिंक कभी कभार पोस्ट कर देता हूँ, मतलब शर्म आनी चाहिए यार, क्या बोल सकते हैं, बाकी फिर आप बेहतर जानते हो। दोस्तों बात करें अगले अपडेट की, तो निकल के आता है यहाँ पे अमेजोन की तरफ से, और यहाँ पे दोस्तों अभी ईफा में ही अमेजोन ने अपना यहाँ पे ये एक न्यू फायर टीवी क्यूब लॉन्च किया है, जहाँ पे दोस्तों ये मतलब एक क्यूब शेप में है और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑप्शन फायर टीवी का। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों कुछ और जो है वो चीज़ें भी नई नई होती ही जा रही हैं ईफा में। मेरा जाने का प्लान था लेकिन उसके बाद में चीज़ें कुछ कुछ और ओवरलैप हो गई इसलिए नहीं जा पाया, लेकिन अभी आप दोस्तों बताइए कि अगले साल MWC और CES की कवरेज क्या आप वापस से देखना चाहेंगे या नहीं। दोस्तों बात करें अगले अपडेट की, तो फ्लिपकार्ट का जो मोबाइल बनानजा ऑफर डिस्काउंट वाला भैया चल रहा है पूरा सीजन, यहां पर दोस्तों ये शुरू होने वाला है 5 से 9 सितंबर, मतलब आज का शुरू हो ही गया है, जहां पे आपको काफी डिस्काउंट्स वगैरह मिलने वाले हैं मोबाइल फोन्स के ऊपर। मतलब लगभग लगता है कि हर दिन ही सेल का दिन है, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, या कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सस्ते में शायद मिल ही रहा होता है। दोस्तों बात करें लास्ट अपडेट की, तो निकल के आता है यहाँ पे रियलमी की तरफ से, बात दोस्तों हो रही है रियलमी XT स्मार्टफोन की, और यहाँ पर दोस्तों इसकी इंडिया लॉन्च डेट कन्फर्म हो गई है जो कि है 13 सितंबर, जहां पर दोस्तों मिलने वाला है भैया 64 मेगापिक्सल वाला ये फोन, और ये दोस्तों सेल पे भी बहुत जल्दी ही चला जाएगा लॉन्च के बाद। मतलब खैर डेट वगैरह भी मेरे को काफी पहले से मालूम थी, लेकिन मैं खैर ऑफिशियली कुछ आपसे कुछ शेयर नहीं कर सकता हूं, बातों के मेरे को बहुत सारी मालूम होती है बहुत सारे ब्रांड्स की, लेकिन दोस्तों हो गया है कंफर्म Realme की तरफ से कि जो लॉन्च डेट है वो है 13 सितंबर की। तो आप क्या इसके लिए एक्साइटेड हैं मुझे थोड़ा नीचे कमेंट करके बता ही देना दोस्तों। बस फिलहाल में इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। दोस्तों फिलहाल में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।